मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू। क्या बात है सर, थैंक अमेजिंग यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इतना दिल से गाया आपने, गाने का जो दर्द एकदम उभर उभर के आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके लता। राजेश जी बहुत सूट किया ये गाना, आपकी आवाज को बहुत सूट किया। मतलब आई इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली संग, इट साउंडेड वेरी ब्यूटिफुल। और एक्चुअली ये जो किशोर कुमार के जितने भी थोड़े पॉइनेंट टोन वाले गाने हैं, थोड़े दर्द वाले गाने हैं, ये एक्चुअली आपकी आवाज को बहुत सूट कर रहे हैं। तो आप मतलब आई आई वुड लव टू हेयर मोर ऑफ दीज सॉन्ग्स फ्रॉम यू। बहुत मजा आया। और ये गाना ऐसे भी बहुत प्यारा गाना है, सब जानते हैं इस गाने को, गाया भी आपने बहुत अच्छा और मैंने बहुत इंजॉय किया बहुत। एंड एंड स्पेशली द सिंगिंग पार्ट वॉज वेरी नाइस। All the notes, everything was very nice. थैंक यू लोग। रंजीत।
Actually, I just loved it. Like, I think Lata told it right. Like, this actually suits your voice very well. I mean, it suits your voice. Like, the song is like a perfect selection for your voice. And I think you already have a vintage quality to your voice, a retro feel. So, and you should actually try the song that I pinged you that day, Kabhi Kabhi Mere That is a Dil Mukesh Mein. Mukesh song. But yeah, but I think it will suit your voice. And also, this song. one, Too this nice. song, I think it's very difficult also because, and you took it very. That part and all is there's a Shruti that is you need to take before singing, and you were doing it naturally. Like, you know, Forever. it's crazy to hear Thank you you. sing. Amazing. Thank you so much. Lana? Yes, so this stirred a very specific memory in my head. When I was younger, during 10 p.m. onwards, the radios will all start playing old songs, and this was a staple. So it was beautiful. I loved how you sang it. You sounded a lot like my father, so it was very nice. And मुझे ये गाना स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देयर इज ऑल्सो अ बंगाली वर्जन ऑफ इट. यस इट इज कंपोज बाय द सेम कंपोजर, आई थिंक आर डी बर्मन. सो द बंगाली वर्जन गोज लाइक मोने पोल रूबी रॉय. सो दैट वर्जन इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, संग बाय किशोर कुमार. सो आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस परफॉर्मेंस. थैंक यू. उषा जी, थैंक यू. One of the best performances of yours, Rajesh, and You the always say song. like this, Usha I have nothing else to say because ma'am. that is more than enough. Like no words to say the impact of your song on us. And whatever I wanted to say, everyone has told already. Thank Beautifully sung. you, Usha ma'am. I'll ask Ramesh ji. Sir, wonderful singing. It was like, what they say, icing on the cake or icing on the ice cream as such. Wonderful, wonderful performance for the whole day. And my God, the way you are bringing all of us together is something remarkable, remarkable, sir. जी, Thank you very much. रहेजा जैसे अभी जी इज माय गुरु. आई कैन से दैट फ्रॉम नहीं, लास्ट थ्री एंड ए जैसे हाफ इयर्स वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग टुगेदर, तो सी ही इज माय जैसे गुरु. जैसे अभी लता जी ने कहा, रंजीत जी ने कहा कि जिस गाने के ऊपर आपकी पूरी जो है ना, ये गाना बिल्कुल सूट कर रहा है आपको ये, और बहुत अच्छा गाया आपने. और इस गाने में आप बिल्कुल डूब गए थे, मतलब जिस तरीके से आप गा रहे थे तो उसमें आप पूरे डूबे हुए थे इस गाने के अंदर. अब ये बहुत निकालेगा कौन ये बताओ मेरे को, मैं डूब गया हूं. ये देखो ना, सारे के सारे निकालने वाले तो सारे बैठे हुए हैं. थैंक यू तो बहुत अच्छा, रहे बहुत जी, अच्छा गाया, बहुत अच्छा. थैंक यू रहे जी. अनिजा, सर सबने तो कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, तो उषा मैम की तरह मेरे पास भी कुछ अलग से नहीं है कहने के लिए क्योंकि सबने कवर कर ही दिया. जी तो सर आई विल रिपीट लाइक एवरीवन सेड ना, मतलब आपने जिस एंजॉयमेंट के साथ गाया, दैट वाज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ योर होल परफॉर्मेंस. प्लस दिस वाज द परफेक्ट एंडिंग टू टू दिस या टू 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 दिस इवनिंग ऑफ आवर्स. सो सर वेरी नाइसली सॉन्ग, दिस एक्चुअली सूटेड योर वॉइस. थैंक यू आई सो जस्ट मच, वांटेड थैंक टू यू. से वन मोर थिंग. या परवा, सर आप ना जब भी गाते हैं, यू कैप्चर द सॉन्ग्स मूड परफेक्टली. अभी अगर इस गाने के बजाय आप कोई एनर्जेटिक तड़कता भड़कता गाओ, हम सब बोलते हैं सर पता नहीं कितना एनर्जी से गाया आपने, इतना हार्ड. आई लव दैट अबाउट योर सिंगिंग कि आप जो भी गाना गाते हो ना, उसका जो मूड है, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू ऑलवेज, कि गाने का मूड एकदम सही से गाने में कैप्चर करना हमेशा नहीं होता. मेरा तो नहीं होता, एटलीस्ट बहुत बार ऐसे होता है कि जो जान होता है ना गाने का, वो हमेशा पकड़ में नहीं आता. बट आप हमेशा एनी जॉनर ऑफ सॉन्ग यू थैंक सिंग, यू कैप्चर द मूड सो वेल. सो टुडे वाज नो डिफरेंट. दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड, सच अ यू. सुपर्ब रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग. और किशोर कुमार के गाने तो आपके भी फेवरेट हैं, आप खुद भी गाते हैं, बिकॉज इट सूट्स योर वॉइस ऑल्सो. ये मुझे आपने थैंक पहले बोला था. यू राजेश जी, दैट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एम आल्सो हियरिंग यू सिंग. एंड इट हाँ ऑल्सो एट द फील ऑफ, बिल्कुल महफिल वाली ही थी ये.
वो फैमिली गैदरिंग्स में बोनफायर के पास बैठे हुए सर्दियों में जब सब गाने गाते हैं घर वाले बड़े 60s 70s वाला, आई थिंक दैट्स द वॉर्म्थ इन द फील दैट आई गॉट फ्रॉम द सॉन्ग एंड द एंटायर स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो. आई थैंक थिंक इट यू वॉज दैट फॉर मी. थैंक रेस्ट यू. वी कैन हैव एवरीबडी एल्स पिचिंग इन देयर कॉमेंट्स. ज्योत्सना, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. Yes, I think every now that it's my third session here, every time I wait for the end because it's more like when Rajesh sings, he binds the entire session that we had. So you have a very solid voice, and I will always, and I still continue to always look forward to listen to you sing. Please don't ever stop. Please continue. And actually, to be very honest, this is the only source of old Hindi songs that I'm coming in contact with because I don't generally listen to old songs at all, even in my language. So thank you for that. Thank you, Joseph. Okay, I'll Anu? say Yeah, yes. please. Whenever Rajesh ji, you sing, you always transport us to that world. हम पीछे ही पहुंच जाते हैं कहीं पर, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मुझे इनफैक्ट आज तो ऐसा लगा कि मैं ओरिजिनल सॉन्ग ही सुन रही हूँ, इतना इस अंदाज से आपने और इतने मस्त होकर गाया, बहुत ही अच्छा लगा. सो वी नॉर्मली गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड व्हेन एवर यू सिंग. ऑलवेज इज मेस्मराइजिंग. थैंक यू. थैंक यू रजत. Like always, sir, a rock star performance. And I always say that कि ट्रैक पे गाना बहुत मुश्किल होता है, एंड यू डू दैट जॉब वेरी वेल. और मतलब लिरिक्स तो खैर पुराने गानों के अच्छे होते ही हैं सर, आप उसमें और चार चांद लगा देते हैं साथ में अपना टोन डाल के. सही में ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल, जैसे कहा ना अनु जी ने, कि बिल्कुल एवर मतलब एवर ग्रीन ओल्ड क्लासिक्स को सुन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फील आता है. थैंक यू सर, कीप सिंगिंग. थैंक यू आयुषी. सर, इस बार आपकी सिंगिंग पे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि हर गाना मुझे यही लगता है कि आपके लिए बनाया है या आप ही ओरिजिनल गा रहे हैं. तो सिंगिंग पे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बट लिरिक्स पे मैं ये कहना चाहूंगी जो मुझे ज्योत्सना मैम की उससे थोड़ा सा रिलेट करके कहना था कि जो भी ये शायद आनंद बख्शी सर ने ही लिखा है ना सर, अरुण इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद. ओके. तो जो सर जो मेल जो राइटर होते हैं वो जनरली लोगों को बताने के लिए लिखते हैं, जैसे कि वो जैसे अनामिका तू भी तरसे लिरिक्स इसमें इस टाइप से हैं, मैंने हृदय से क्यों लगाया समथिंग लाइक, मतलब कि वो अपने आप को ब्लेम नहीं करते, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं. और जैसे मैम आपने जो पोयम मेरी अपनी स्टोरी एज अ स्टोरी कह सकते हैं, पोयम अपनी जर्नी कह सकते हैं वो बताई, तो उसमें ये कहना चाहती हूँ कि हम जो लिखते हैं ना वो लोगों को बताने के लिए नहीं लिखते, हम खुद के लिए लिखते हैं. क्या तो बात. यही फर्क होता है मेल और फीमेल राइटर में, कि हम मतलब हम इसलिए लिखते हैं कि हमें अपने लिए लिखना है और लोगों से क्यों डरना है. जस्ट लाइक कि लोगों से हमें बताने से मतलब नहीं है, वी आर राइटिंग फॉर आर सेल्फ. लेकिन जो मतलब आई एम नॉट, मैं किसी लिरिक्सिस्ट मैं को मैं बोलने ये वाला था, मैं क्या नहीं बख्शी सर नाराज हो जाएंगे, अब तो वो है भी नहीं डिफेंड करने के लिए, दिस ही पर्सन इज नहीं कह रही नो हूँ, मोर. बट ऐसा जनरली मैंने देखा है कि जो मेल लिरिसिस्ट होते हैं या जो मेन राइटर होते हैं वो लोगों को बताने के लिए लिखते हैं, दे वो हमेशा खुद के मतलब खुद के ऊपर वो सोच के नहीं लिखते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो उसको लिखते हैं. बट वो फीमेल राइटर्स जो होती हैं वो अपने लिए लिखते हैं, लोगों को पसंद आता है इट्स ओके, नहीं पसंद आता है तो इट्स ओके. So that's why we should have more female, writers in the Bollywood industry. तो आप होना तो बॉलीवुड आप जा चाहिए. रही हैं, रजत को भी लेके जाओ. मैं वही बोलने वाली थी कि रजत शराब जब जाए ना तो मुझे भी लेते चलिए उनको. दूरदर्शन पे तो पहुंच गई हो तुम, अब बॉलीवुड भी पहुंचो आप. मैम तो ऑलवेज सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगा, भगवान ने चाह अगर मैं गया तो मतलब जरूर कहूंगा आयुषी जी आप भी चलिए साथ में. रेखा दूरदर्शन में जी. इस वजह से पहुंची हूँ कि उनका कहना ये था कि जितने भी टेक्निकल राइटर हैं वो उसमें साहित्य नहीं जोड़ पाते हैं, आप सिर्फ इकलौती ऐसी राइटर हो जो टेक्निकलिटी में हाँ साहित्य जोड़ देते हैं, यस. इसलिए फिर दे एग्रीड कि हाँ, क्योंकि एक स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने और बस टेक्निकल लिखने के लिए मैंने उसमें साहित्य जोड़ दिया वो तो डेडली तो कॉम्बिनेशन है, मतलब यू आर एन आईटी इंजीनियर एंड ए पोएट, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ना ये. सर. ओके रेखा जी.
बहुत अच्छा सर। और मेरी तो एक चीज है कि मुझे हमेशा आज के समय में भी पुराने गाने ही बिल्कुल अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गाना किसी चीज को, हमारी फीलिंग को जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करता है कि बहुत, मेरे को आज के समय भी मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि पुराने गाने ही क्यों अच्छे लगते हैं, और आपने गाया बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल फीलिंग आ जाती है हर चीज की जिस तरीके से आपने गाया, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने थैंक आपसे यू। कहा था कि मैंने आपको भी सुना जब मैंने आपका पहली बार ग्रंथ, बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया शुक्रिया रेखा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।